बोल भैया, तू बंद कर दे यार इसे। नहीं बंद होगा? बंद आई स्टाफ लेके आ रहे हैं। बंद हीटर हीटर लगा ले फिर। दो Yeah, thank you so much. Mohammad Rizwan is there. Just wait. Let's start from here. Sanaullah and then Qadir Khwaja, please. Qadir bhai. Acha. Sanaullah, yeah. Assalamu alaikum. सबसे पहले आपको मुबारकबाद। एक और मैन ऑफ द मैच आपका। अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है, आप भी परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम भी परफॉर्म कर रहे हैं, और कैलेंडर ईयर देखें तो दोनों के बहुत अच्छे रन हैं। बट अच्छा और होगा कि आप दोनों के बीच में ये कंपटीशन चलता रहे, तो आप मेंटल तौर पे थोड़ा सा होते हैं कि बाबर ने पिछले मैच में किया तो मैं भी अब खड़ा हूँगा बाबर के साथ और लंबी इनिंग खेलूंगा आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑब्वियसली आपके पास अगर रैंकिंग में वो भी टॉप पर है, अगर आप चलते रहें एक दूसरे को देख के, क्योंकि हमारा बेसिकली जो हमारे मेरे नज़र में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए वो एसेस करना है कंडीशन को, और दूसरी जो है ना बॉलिंग को, क्योंकि सबके सामने यही है कि सही पेयर है कि पावर हिटर्स आप लोग नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ना हम वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह के फल से बेहतर कर रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया फंसी हुई है मगर अल्लाह हमसे बेहतर करवा रहे हैं, क्योंकि उसका मेन जो रीज़न यही है कि हम दोनों एक दूसरे को लेके चलते हैं और एक दूसरे से प्लान करके चलते हैं, जो मेरे ख्याल से हमारी सबसे कामयाबी करा चाहिए। रिजवान भाई, 9 अक्टूबर को मुझे याद है मैंने सवाल किया था कुर्बानी वाला ओपनिंग के हवाले से, लेकिन उससे आपने अपनी परफॉर्मेंस से बेहतरीन अपना उसका जवाब दिया और आप माशाल्लाह दूसरी मरतबा मैन ऑफ द मैच हैं, तो ये बताएं कि अपनी कामयाबी का ये क्या राज है, कि आप थ्रू आउट टूर्नामेंट में बड़े रन भी कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपको कामयाबियां भी इससे समेट रहे हैं। देखिए जी, आपने जो भी सवाल किया था हमारे यहाँ पे आके बैठना जवाब देना ये है, मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट भी यही है कि हम सबको पाकिस्तान यही किया, आपका भी यही मकसद होता है कि हमारा पाकिस्तान ऊपर है, हमारा भी यही मकसद होता है कि पाकिस्तान ऊपर है, और हम सारे मिलके इंशाल्लाह जितने भी न्यूज वाले मीडिया वाले हम सारे प्लेयर्स भी बाकी जितने भी हैं, हमसे भी रिक्वेस्ट है सारे मिलके ऊपर पाकिस्तान की ले जाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन सब ऊपर आएगा, और उसमें मैंने कोई वो नहीं लिया था जो भी सवाल आपने किया था, मगर मेरे ख्याल से ये एक चैलेंजेस होते हैं सवालात में भी, समटाइम आपको वहां से कुछ गेन करना पड़े ना तो नेगेटिव चीज से भी आपको पॉजिटिव चीज मिल जाती है, क्योंकि आप अगर उसको नेगेटिव के लेके जाएंगे तो ऑलरेडी तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, मगर बहरहाल एक चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कोई ऐसा बात नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी चल रही है बैटिंग, क्योंकि दुबई शारजा अबू धाबी ये ऐसे कंडीशन है अगर आप बहुत अच्छा खेलते तो 150-160 के राउंड फिनिश कर देते, तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आप पावर प्ले खेल अगर आप पूरी वर्ल्ड कप में उठा के देख लें 33 पे 3 आउट 4 आउट इसी पे पावर प्ले फिनिश हो रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के फल से हमारा जो पावर प्ले अल्लाह के फल से वो 40 पे कभी पहुंच जाता है, कभी 42 पे गया हुआ है विदाउट एनी विकेट, आज भी वही है जिस तरह सबके सामने था, कंडीशन काफी टफ थी, उनके बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा इसका कि उन लोगों ने पिच को यूज किया है, लेंथ पे बॉल किए, हमें डिफिकल्ट टाइम दिया, मगर सबको पता है बाबर आजम अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड नंबर वन, और जिस तरह उसने एसेस किया कंडीशन को, तो वहीं पर हमने एक दूसरे को प्लान ये किया कि इंशाल्लाह थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं। शाकिर रिजवान भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमने स्ट्रेटेजी चेंज की विनिंग द टॉस एंड बैट करने के लिए, स्ट्रेटेजी क्या थी, क्या कोई माइंड में था कि हम 200 प्लस पे जाएंगे या वही 180 हमारा टारगेट था, लगा कुछ ऐसे? दूसरा, अगर आप इस पे कमेंट कर दें कि 5 ओवर रिमेनिंग हम फेस की जगह आसिफ अली कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था अगर वो क्योंकि अच्छी फॉर्म में है? हाँ बिल्कुल जी, देखिए जी स्ट्रेटेजी हमने चेंज किया, टॉस जीत के बैटिंग ही किया इसीलिए कि सेमीफाइनल में कुछ भी हो सकता है, और वो सबके सामने था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह जा रहे थे, जब पहले भी मैंने कहा है कि हमारा प्लान तो था 190 के प्लस था हमारा प्लान, क्योंकि कल हम मेजोरन जो बैटिंग कोच थे उन लोगों ने हमें प्लान दिया था कि हम पहली बैटिंग करेंगे, हम इतने टारगेट लेके जाएंगे, मगर जिस तरह समटाइम आपको चीज़ें देखनी पड़ती है कि सबके सामने जिस तरह पहले उनकी पावर प्ले 6 ओवर जो उन लोगों ने किए, ऑनेस्टली मैं मुझे आज तक तो समझ नहीं आई उस टाइम, क्योंकि कप्तान भी कोई स्किट कर रहा था, कोई स्लो कर रहा था, कभी स्विंग हो रहा था, कभी आउट स्विंग हो रहा था, बजाय इसके कि हम अपनी विकेट थ्रो कर दें, तो हमने प्लान वहां पे कर दिया, एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ है जो हमारे हेड कोच चाह रहे थे हमसे, और दूसरी बात जब आप देखिए कि आसिफ को वहां पे ले आ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कप्तान कोच इस चीज पे ज्यादा रिलाय कर रहा है कि हमारे जितने भी बॉक्सेस है वो टिक हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फास्ट बॉलर्स रिदम में शाहिन शाह आरिस रऊफ आज हसन अली ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आला बॉलिंग किए, वो बॉक्स भी अल्लाह पाक ने टिक करा दिया, सेम अगर आसिफ की बैटिंग दे, शोएब भाई की बैटिंग देख ले, हमारी टॉप ऑर्डर की बैटिंग देख ले, तो एक हफीज भाई की कमी थी जिसने मतलब उसके बॉक्स पे तड़ा सा था कि उसने नहीं किया, अल्लाह पाक ने आज उसको भी फॉर्म में लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रिदम बिल्कुल बनी हुई है,
और कोशिश करें कि अल्लाह के फजल से इस रिदम को आगे कंटिन्यू करें, सेमीफाइनल में इस तरह जाए और उसको जीत जाए इंशाल्लाह। अतीक भाई, अच्छा रिजवान आपने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाए, अब क्रिस गेल से सिर्फ 4 रन की दूरी पर हैं और आप सबसे ज्यादा रन बनाते हैं इस साल में, एक तो इसको कैसा देखते हैं कि टारगेट है, और दूसरा पाकिस्तान टीम के हवाले से कहा जाता था अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि किसी वक्त भी जो है पाकिस्तान टीम हार जाती है, तो अब ये धब्बा जो है, ये दाग जो पाकिस्तान टीम पर था ये हट गया, तो कैसा इसमें फर्क कैसा देखते हैं, किस तरह पाकिस्तान टीम में ये अनप्रिडिक्टेबल की टीम का जो हटा? देखिए जी, अल्लाह के फजल से स्टेज पे खड़ा हूँ कि 4 रन की दूरी पे हूँ और अल्लाह ने बहुत करम किया मेरे पे, क्योंकि मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की फजल से सब कुछ है। और जहाँ पे आपने बात की अनप्रिडिक्टेबल्स की, तो मेरे ख्याल से हर जगह पे हर एक बंदे की अपनी एक माइंड सेट होती है। अगर हम अनप्रिडिक्टेबल थे हम सारे, तो इसके पीछे मैं समझता हूँ कि हमारी स्कूल की क्रिकेट उसको मैं समझ रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें आप वो आप क्रिकेट में सिर्फ ना लें, जेन्युइन और चीजें भी देख लें, हमारी वहाँ पे भी उस चीज से हमारे बच्चे वहाँ से पढ़ के आते हैं, सब कुछ करके आते हैं, उस तरह खेलते आते हैं, तो मैं इस चीज को समझता हूँ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस टाइम मुल्क में बहुत सी चीजें थोड़ा सा इजी हो गई है, थोड़े से स्टैंडर्ड पे आ गए, तो इसलिए हमारी टीम भी अल्लाह पाक स्टैंडर्ड पे ले आएंगे। हम सारे मिलके इसके वो सिर्फ क्रिकेट पे ना डाले कि हम अनप्रेडिबल है, इसको हम सारे पूरे पाकिस्तान की अवाम कौम जितने भी सियासत में है या हमारे स्कूलों में है या टीचर्स या हॉस्पिटल्स में, हम सब मिलके एक चीज को स्टेज पे लाएंगे अपने पाकिस्तान के ऊपर, इंशाल्लाह हमारी हर एक स्पोर्ट भी ऊपर आएगी, हमारा मुल्क भी ऊपर आएगा इंशाल्लाह। रिजवान, मेरा नाम एहसान कुरैशी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, बहुत खुशी हुई कि आप पहुंचे। मेरा आपसे सवाल आपसे हो चुका होगा, क्या एक तो सवाल ये है कि क्या आज पावर प्ले हमने 20वें ओवर से शुरू किया, और दूसरा मुझे ये पूछना है कि ये जो जीत होती है, आप अल्लाह पे आपका बड़ा यकीन है कामिल है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को गैबी मदद भी मिली है इसमें टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ, क्योंकि जब तक अल्लाह आपके ऊपर अपना कर्म नहीं करता, आप जितनी बार आपने बातें की हैं अल्लाह रसूल सब चीजें की हैं, तो मैं ये चाहता हूं ये बताएं कि पावर प्ले आखिर में शुरू किया आपने 19वें 20वें ओवर से, और ये जो स्ट्रेंथ है आपको कहां से मिलती है? पहले तो मैं आपको हैवी मार के बता देता हूं असल है क्या चीज। ये तो हमारा ईमान है इस चीज पे कि अल्लाह जल्ल जलाल सब कुछ करता है, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, मगर अल्लाह जल्ल जलाल बेहतरीन इंसाफ करने वाले कुरान में हर जगह पे। अगर हमारी पूरी पाकिस्तान टीम की मेहनत दूसरी टीम से ज्यादा होगी तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह पाक हमारे साथ नाइंसाफी करे। अगर हमारी सारी मुल्क जितनी भी हमारी टीम है इसकी मेहनत किसी दूसरी टीम से कम हुई, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड जो टीम भी हुई, तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान जीत जाए, ये क्योंकि अल्लाह पाक का इंसाफ है। अब अल्लाह पाक भी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह पाक से हम रिजल्ट मांग रहे हैं, टॉस हमारे हाथ में नहीं है, वेदर हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें एजेस अब हमारे हाथ में नहीं है, सम क्योंकि हम दूसरी टीम को ये तो नहीं कराते कि हम उसको केस ड्रॉप करा दें, ये तो थोड़ी हमने कराया हुआ है। जो अल्लाह जल्ल जलाल की बरकत होती है साथ, हम सारे एक होते हैं, जहाँ पे एक टीम बनी होती है तो बरकतें वहाँ पे आती है। जो टीम अक्सर आप देख ले उसमें जेल होती है, उसकी एजेस उनके फेवर में जाते हैं, नो बॉल उनके फेवर में जाते हैं, तो ये वो गैबी मदद है। और बींग ए मुस्लिम आपको बताया कि हम इस चीज पे बिलीव रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो जो कलमे की उसकी ताकत उनके पास है, कहीं पे डर तो नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम तकड़ी कौम है, और हम इस चीज पे आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी जगह जगह पता करेंगे इंशाल्लाह। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम वर्चुअल सेशन, शाहिद हाशमी, कैन यू आस्क द क्वेश्चन? यार एक पावर प्ले वाला क्वेश्चन आपका जो था यार, वो बेसिकली एंड से पावर प्ले की आप बात कर रहे हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देते हैं जिन लोगों ने 6 ओवर जिस तरह यूज किए हैं उनकी सीम स्पिन जो भी हुआ था, मगर हमने जो प्लान किया अल्लाह पाक ने उस प्लान में हम बरकत दी एंड में कवर कर गए। शाहिद भाई रिजवान अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक। ये बताइए कि सेमीफाइनल में कौन सा ओपोनेंट देखना चाहते हैं?